हाय व्यूअर्स, वेलकम टू टेंसोल। तो आज हम केरला के एक स्पेशल डिश बनाने वाले, गरम गरम दाल वड़ा बनाने वाले, चाय के साथ बहुत टेस्टी होगा। तो चलिए देखते हैं। तो हम ये इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। ये प्याज चाहिए, ये 3-4 मैंने लिए है। ये दाल, ये भिगो के रखना है 3-4 घंटे के लिए, मैंने भिगो लिया है। ये नमक, ये करी पत्ता, ये मिर्ची और ये अदरक, ये सब हमें चाहिए। तो देखते हैं कैसे बना। पहले हमें ये दाल को अच्छे से क्रश कर लेना है, मतलब पेस्ट जैसे नहीं करना है, लाइटली क्रश कर लेना है। तो हम ये क्रश कर लेते हैं। तो मैंने दाल को क्रश कर लिए, देखो ऐसे क्रश होना चाहिए, उतना भी पेस्ट जैसे नहीं होना चाहिए। एक बड़ा बर्तन लेना है, उसमें हमें ये दाल डालना है। मैंने ऐसे एक बाउल लिया है दाल, और ये क्रश करने के टाइम में मैंने नमक डाला था, मैं बोलने भूल गई थी। अभी हमें ये प्याज डालना है। ये करी पत्ता डालना है। ये अदरक डालना है। ये मिर्ची भी हमें डालना है। मैंने यहाँ 10 मिर्ची ली है, आपका टेस्ट जैसा आपको ले सकते हो। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है। ऐसे ही मिक्स करना है, इसमें पानी कुछ नहीं डालना है, अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद फिर नमक नहीं है तो आप डाल सकते हो। मैंने ये मिक्स कर लिए, मेरे में अच्छा नमक है, और नमक आपका टेस्ट, आपको कैसे नमक चाहिए ऐसे डालना है। मैंने इधर एक कढ़ाई रखा है, इसमें तेल डाल दिया। ये अभी अच्छे से गर्म होगा तब हमें इसमें डाल देना है। ये गर्म, अब इसको हम एक बॉल बना के इसको ऐसे करके प्रेस कर देना है। ये शेप में हमें सब बना लेना है। एक और मैं आपको बताती हूँ, इसको अच्छे से राउंड कर लेना है। बॉल से एक बॉल बना लेना है और इसको प्रेस कर देना है ऐसे शेप। ये आप देख सकते हो मैंने सब बना लिए। अब इसको तेल में डाल के फ्राई कर लेते हैं। तेल गरम हो गया तो हम डाल देते हैं। ये आप देख सकते हो मैंने सब डाल लिए, भी अच्छे से ब्राउन कलर हो जाए तो हमें निकाल लेना है। ये एक साइड ब्राउन हो गया, अब हमें तो इधर डाल देते हैं। ये ब्राउन हो चुका है, आप देख सकते हैं। अभी हमें इसको निकाल लेते हैं। हमारा क्रंजी एंड टेस्टी दाल वड़ा तैयार हो चुका है। बहुत टेस्टी एंड क्रंजी है, बारिश का मौसम है तो पूछो मत, बहुत टेस्टी है। चाय के साथ बहुत अच्छा है, आप देख सकते हो। आपको हमारा रेसिपी बहुत अच्छा लगा होगा, आप घर पे जरूर ट्राई कीजिए। ये बारिश का मौसम में गरम गरम दाल वड़ा और चाय बहुत टेस्टी होगा। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए, और आपके सारे फ्रेंड्स को शेयर कीजिए।